गुड मॉर्निंग क्लास सेवन क्लास सेवन टुडे आई विल स्टार्ट योर न्यू चैप्टर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री प्रैक्टिकल ज्योमेट्री चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर टेन इस चैप्टर के लिए आपको सबसे पहले आपके पास कंपस पेंसिल स्केल और प्रोटेक्टर ये होना आपके पास ज़रूरी है रेजर वग़ैरह भी आप अपने पास रखें तो ये चीज़ें आप पहले अरेंज कर लें इन इसके अरेंजमेंट के बाद हम एक्सरसाइज टेन पॉइंट वन जो है अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ये है आपकी एक्सरसाइज टेन पॉइंट वन इस एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन नंबर वन है ड्रॉ ए लाइन आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है आप उस लाइन को आपने ए बी नाम देना है टेक ए पॉइंट सी आउटसाइड इट आपने एक पॉइंट सी लेना है इस लाइन से बाहर लेना है लेकिन थ्रू सी सी से ड्रॉ ए लाइन पैरल टू ए बी यूजिंग रूलर एंड कंपस ओनली तो आपने सी में से एक लाइन ए बी जो है वो पैरल ड्रॉ करनी है ड्रा ए लाइन पैरल टू ए बी यानि एक लाइन सी में से पास होगी वो लाइन ए बी के पैरल होनी चाहिए वो हम बाई कंपस और रूलर जो है वो जो है इसे कंस्ट्रक्ट करेंगे तो लेटस सी हाउ वी ड्रॉ दिस फिगर अब हम सबसे पहले हमारे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ड्रा ए लाइन से ए बी आप एक हमें यहाँ मेज़रमेंट नहीं दिया हुआ तो हम अपनी मर्जी से हम ए बी लाइन जितने मर्जी सेंटीमीटर जो है हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे दैट इज़ ए बी और हम इसे नेम दे देंगे ए एंड बी तो इस तरीके से आपने एक लाइन ड्रा करनी है विद द हेल्प ऑफ स्केल और उसे नाम दे देना है ए बी अब हमें एक पॉइंट सी लेना है आउटसाइड इट अब हमें इससे बाहर एक पॉइंट लेना है सी लेट सपोज करते हैं हम यहाँ पर एक पॉइंट सी ले, ले ले अब हमें एक ऐसी लाइन ड्रा करनी है जो इस सी में से पास हो और इस ए बी के पैरेलल हो तो आपको पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज़ पता है पैरेलल लाइंस की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं अगर हम टू लाइंस इस तरीके से पैरेलल ड्रॉ करते हैं तो अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ पर कट करती है तो आपको पता है कि ये जो टू एंगल्स होते हैं ये वाले एंगल्स ये दीज आर द टू एंगल्स विच आर अल्टरनेट एंगल्स ये कौन से एंगल्स होते हैं अल्टरनेट एंगल्स होते हैं तो ये अल्टरनेट एंगल्स कैसे होते हैं इक्वल होते हैं तो अगर हम यही प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ करें तो हमारे पास ये जो लाइन है वो पैरल ड्रॉ हो जाएगी तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं इस सी पॉइंट को यहाँ ए बी पर कहीं पर भी हम इसको ज्वाइन कर देते हैं इस तरीके से हम एक ट्रांसवर्स एज ए ट्रांसवर्सल लाइन जो हम इसको बना देते हैं तो हम इसको कहीं पर भी इसको ज्वाइन कर देंगे इस सी पॉइंट को इस ए बी के ऊपर ज़रूरी नहीं है कि वो मिड पॉइंट ही हो कोई भी ऐसा पॉइंट हो सकता है तो लेट सपोज करते हैं लेट पॉइंट इज दैट पॉइंट इज डी हम इस पॉइंट को नाम दे देते हैं दैट इज़ डी अब हमें क्या करना है आप ये देखिए इस फिगर से रिजाम्पल करिए अब यहाँ पर ये सपोज करिए ये ए बी लाइन है ये आपके ट्रांसवर्सल लाइन डी सी हो गई अब ये वाला है यानी दैट एंगल ये वाला एंगल जो है यहाँ पहले एंगल से क्या होना चाहिए इक्वल अगर हो जाता है तो जो लाइन यहाँ पर पास करेगी यानी ये वाली लाइन जो पास करेगी वो क्या हो जाएगी पैरेलल हो जाएगी तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं हम अपने हिसाब से जितनी मर्जी मेज़रमेंट का यहाँ पर एक पॉइंट कंपस यहाँ पर प्लेस करेंगे और जितना मर्ज़ी मेज़रमेंट हमारी अपनी मर्ज़ी से हम यहाँ पर थोड़ी सी कंपस खोलेंगे और इस डी पॉइंट के ऊपर रख कर हम एक आग लगाएंगे देखिए किस तरीके से हमने ये आग लगानी है इस तरीके से इस तरीके से आपने एक आग लगा देनी है तो हमने ये आग लगा दी अब बिल्कुल इतना ही एंगल आपका यहाँ पर होना चाहिए अब बिल्कुल सेम एंगल यहाँ पर भी होना चाहिए तो उसके लिए हम क्या करते हैं यही वाली कंपस आपने जितनी कंपस पहले खोली हुई है उतनी की उतनी ही कंपस खुली रहेगी और आपने इस सी पॉइंट के ऊपर रखना है कंपास और इस तरीके से आपने यहाँ पर भी एक आग लगा देनी है यहीं सी पॉइंट पर रखना है और इस तरीके से एक आग यहाँ पर आपको लगानी है अब सब अब हमने क्या देखना है ये जो लेंथ है इस आर्क की लेंथ है इसे हम यहाँ पर मेज़र करेंगे ये इस पॉइंट पर रखेंगे ये टिप जो कंपास की टिप है ये यहाँ रखनी है और ये पेंसिल की जो टिप है वो इस पर ये इस पॉइंट के ऊपर आनी चाहिए अब ये देखो इस तरीके से हमने इस जो आर्क है इसकी लेंथ को मेज़र कर लेना है कि आर्क कितने लेंथ की है तो जितनी लेंथ इस आर्क की है उतना आपकी कंपस खुल चुकी है अब इस कंपस के इस पॉइंट के ऊपर या यहाँ से जो आपने पहले ये जो आग लगाई है इस पॉइंट पर हम रखेंगे और यहाँ पर इसको कट कर देंगे इस आर्क को उतनी ही लेंथ को कट करेंगे क्यों किया हमने ताकि ये वाली जो एंगल है और जो ये वाला एंगल है ये हमारा क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे तो ये लाइन पैरेलल हो जाएगी तो अब देखिए किस तरीके से हमने इस लाइन को ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट हमने इनको क्या कर देना है ज्वाइन कर देना है और ध्यान रहे इसको बनाते हुए बहुत अक्रसी होनी चाहिए आपकी बहुत करेक्टनेस होनी चाहिए पेंसिल शार्प होनी चाहिए और बहुत नीटनेस होनी चाहिए तो इस तरीके से देखो हमने ये पॉइंट और ये पॉइंट हमने आपस में ज्वाइन कर दिया तो अब ये लाइन जो है ये लाइन को हम नेम दे सकते हैं कोई भी नाम दे दीजिए ई एफ नेम दे दीजिए इसको तो अब ये लाइन जो है अभी आप प्रोटेक्टर से मेज़र कर सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है और जो ये वाला एंगल है ये एंगल्स कैसे हैं इक्वल होंगे तो इसका मतलब ई एफ लाइन जो है वो ए बी के पैरल है तो हम यहाँ पर राइट भी कर सकते हैं ई एफ पैरल ए बी तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर वन ऑफ एक्सरसाइज टेन पॉइंट वन